नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है पृथक्करण का नियम। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे मेंडल के नियम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मेंडल ने मटर के पौधे में अनुवांशिकता से संबंधित कुछ नियमों का प्रतिपादन किया था। और मेंडल के द्वारा दिए गए इन्हीं नियमों को हम अनुवांशिकता के नियम कहते हैं। अनुवांशिकता के नियम मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अपयूहन का नियम। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि पृथक्करण का नियम क्या है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आप लोगों ने प्रभाविता के नियम को पढ़ा है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, उस के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आसानी के साथ देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नियम, पृथक्करण का नियम, या जिसे हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम। दोस्तों, यह नियम बहुत ही सरल है कि जब एक जोड़ी विपर्यायी लक्षणों को आधार बनाकर दो पौधों के मध्य में संकरण कराया जाता है, जब एक जोड़ी विपर्यायी लक्षणों को आधार बनाकर पौधों के मध्य में संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में केवल एक लक्षण दिखाई देता है भाई, क्योंकि एक लक्षण के द्वारा दूसरे लक्षण को दबा दिया जाता है। यह नियम प्रभाविता का नियम कहलाता है। लेकिन ये जो दबा हुआ लक्षण है, वह प्रभावी लक्षण के साथ मिक्स नहीं होता है, बल्कि अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखता है। और जब F1 जनरेशन का स्वपरागण कराया जाता है, तो यही दबा हुआ लक्षण F2 जनरेशन में स्वतंत्र रूप से, पृथक रूप से बाहर आ जाता है। इसी नियम को हम युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लक्षणों को निर्धारित करने वाले जीन है, वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, बल्कि वो अपने आप की स्वतंत्रता को बनाए रखते हैं। तो जरा समझ लें, फिर उसके बाद इसको एज ए एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, पृथक्करण के नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, इसको जरा देखें परिभाषित रूप में। तो देखें कि जब विपर्यायी लक्षणों के जोड़ों के मध्य संकरण कराया जाता है, तब वे मिश्रित नहीं होते हैं, बल्कि वे अगली पीढ़ी में अलग हो जाते हैं। इसे ही पृथक्करण का नियम कहा जाता है। एक बार फिर से देखिए कि जब विपर्यायी लक्षणों के जोड़ों के मध्य संकरण कराया जाता है, तब वे मिश्रित नहीं होते हैं, बल्कि वे अगली पीढ़ी में अलग हो जाते हैं। इसे ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। दोस्तों, यह मेंडल का द्वितीय नियम है और इस नियम को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इस नियम में जो जीनोटाइपिक अनुपात है, वो 1:2:1 आता है, जबकि फिनोटाइपिक अनुपात जो है वो 3:1 आता है। तो चलिए जरा इसको उदाहरण के माध्यम से समझे कि एक लाल पुष्प वाले रेड फ्लावर प्लांट का संकरण जो है व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट के साथ कराया जाता है। अगर हम देखें तो रेड फ्लावर के लिए हमने दिया है, रेड फ्लावर जो है हमने जो लिया हुआ है वो समयुग्मजी है। वहीं पर व्हाइट फ्लावर वाले के लिए हमने भी समयुग्मजी प्लांट का ही चयन किया है। चूंकि दोनों समयुग्मजी हैं, इस कारण से इनसे बनने वाले जो गैमेट्स हैं, वो गैमेट्स कैसे होंगे, समान होंगे। अर्थात यहां पर आर जीन वाले गैमेट बनेंगे और यहां पर
स्मॉल आर्जिन वाले गैमेट का फॉर्मेशन होगा। जब इन दोनों को आपस में मिला दिया जाएगा, संकरण कराया जब मिला दिया जाता है, तब ऐसी अवस्था में क्या बनता है, कैपिटल आर स्मॉल आर जीन वाले संकर पौधे का निर्माण होता है जो रेड फ्लावर वाला होता है। रेड फ्लावर वाला होता है, यहां पर आप लिख सकते हैं ये पेरेंट्स हो गए, यहां पर ये गैमेट्स बन गए, और यहां पर ये जो जनरेशन बनी कौन सी जनरेशन है, ये F1 जनरेशन। अगर आप देखें तो यहां पर क्या हुआ है कि रेड फ्लावर जिसका जीरो टाइप कैपिटल आर है, जबकि व्हाइट फ्लावर जिसका जीरो टाइप स्मॉल आर है, दोनों समयुग्मजी है। जब दोनों का आपस में संकरण कराया जाता है तो विषम युग्मजी रेड फ्लावर का निर्माण होता है, अर्थात दोनों के जो गैमेट्स हैं वो आपस में मिल जाते हैं। जब इनका स्वपरागण कराया जाता है, यहां पर हम लिख देते हैं स्वपरागण कराने पर, तो गैमेट्स क्या बनेंगे, चूंकि अब ये कैसे हैं, हेटरोजाइगस हैं, तो दो प्रकार के गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, कैपिटल आर वाले गैमेट, स्मॉल आर वाले गैमेट। यहां पर भी ये दोनों प्रकार के बनेंगे, कैपिटल आर वाले गैमेट और स्मॉल आर वाले गैमेट। अब जब दोनों को आपस में मिला दिया जाता है तो यहां पर हम देखते हैं कैपिटल आर, यहां पर अगर देखें कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां पर अगर देखें कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहां पर हम देखें तो हम देखते हैं स्मॉल आर जीरो टाइप वाले संतियों का निर्माण होता है। ये इनकी हो गई गैमेट, और यहां पर ये जो जनरेशन बनी, ये जनरेशन बनी F2। अब आप देख सकते हैं कि कैपिटल आर कैसा है, रेड फ्लावर वाला है, ये भी रेड फ्लावर वाला है, ये भी रेड फ्लावर वाला है, लेकिन यहां पर हमने देखा कि ये कैसा है, व्हाइट फ्लावर वाला है। अतः इसका जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप की अगर हम बात करें तो जीनोटाइप कैसे होगा भाई, 1:2:1 प्राप्त हुआ, क्योंकि दो यहां पर देखिए तो कैपिटल आर 25%, कैपिटल आर स्मॉल आर वाले 50%, और स्मॉल आर वाले कैसे हो गए, ये हो गए 25%। तो जीनोटाइप इसका क्या निकल के है, 1:2:1। वहीं पर अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो यहां पर हमको प्राप्त होता है 3:1। इस पूरे के पूरे प्रयोग से हमने ये जाना कि किसी लक्षण को निर्धारित करने वाले जो गैमेट्स हैं, जब गैमेट्स आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे के लक्षणों को प्रभावित नहीं करते, बल्कि अपना जो प्रभाव है वो अपना प्रभाव शुद्ध रूप में अगली जनरेशन में दर्शाते हैं, छुपे रहते हैं, लेकिन अगले पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी नियम को हम पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आएगा, यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।